बिग बॉस OTT 3 में आखिर क्यों फूट फूट कर रोई सना सुल्तान। कृतिका के मजाक पर बोली, मैं एक रात भी उसके बिना रात तक सो नहीं पाती। जी हाँ, बिग बॉस OTT 3 के बीते एपिसोड में यूट्यूबर अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक सना सुल्तान की जान से ज्यादा कीमती चीज को छिपा देती है, और जब सना को पता चला कि उनकी कीमती चीज को घर वालों ने छिपा दिया है तो वो घर वालों के सामने ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। आपको बता दें कि कीमती चीज कुछ और नहीं बल्कि सना सुल्तान का सॉफ्ट टॉय शेरू था, जिसे सना हमेशा सोते वक्त अपने पास रखना पसंद करती है। उनका कहना है कि इस टॉय से उनके काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। दरअसल बीते एपिसोड में अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक, शिवानी कुमारी, चंद्रिका दीक्षित और रणवीर शोरी के सामने सना सुल्तान के सॉफ्ट टॉय शेरू को छिपा देती है, और जब सना रात को सोने के लिए अपने बेड के पास पहुंचती है तो शेरू को वहां पर वो नहीं पाती। इसके बाद सना फूट फूट कर रोने लग जाती है। पहले तो सब बताने से मना कर देते हैं कि शेरू को किसने छिपाया, लेकिन जब सना रोना बंद नहीं करती तो कृतिका और चंद्रिका उनके पास पहुंचती है। कृतिका कहती है कि उन्होंने टॉय को छिपाकर प्रैंक किया था। तभी सना रोते हुए कहती है कि शेरू के साथ उनके काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो उसके बिना रात में सो नहीं पाती। और अब एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें सना सुल्तान अपनी सॉफ्ट टॉय शेरू की बात करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो रही है। सना रोते हुए घर वालों के सामने कहती है कि उन्होंने शेरू का कोई टॉपिक शुरू नहीं किया है और वो नहीं बताना चाहती कि उनकी टॉय के साथ क्या इमोशन जुड़े हुए। तभी शिवानी कहती है कि जब हम टॉय को छिपा रहे थे तो उस वक्त वहाँ पर रणवीर शोरी भी मौजूद थे, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। तभी रणवीर और शिवानी में झगड़ा शुरू हो जाता है। वीडियो में आगे सना सुल्तान साईकिता राव से कहती है कि आमतौर पर मुझे रात में नींद आ जाती है, लेकिन शेरू के बिना मुझे बेचैनी होने लगती है, मैं 2 घंटे तक नहीं सो पाई थी। हालांकि घरवालों के पूछने के बाद सना नहीं बताती कि आखिर वो सॉफ्ट टॉय को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव क्यों है। हालांकि टॉय के लिए इस कदर प्यार उनका देखकर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें बिग बॉस OTT 3 की सबसे ज्यादा दयालु लड़की का खिताब देना भी शुरू कर दिया है।